उत्तराखंड में एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव होना है। कई वायदे किए जाएंगे, दावे किए जाएंगे, लेकिन झारखंड में मजदूरी एक बड़ी समस्या है और पलायन उसका एक दंश है। आप यहां देख सकते हैं कि रांची राजधानी में कई मजदूर यहां पर इकट्ठा है, कुदाल लिए हुए हैं, फवाड़ा लिए हुए हैं, महिलाएं भी साथ में हैं, और सबसे बड़ी पीड़ा है कि आज इन्हें मजदूरी यानी काम नहीं मिला है। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर कहाँ से आए हैं काम की तलाश में? हम लोग लोहरदगा से आए हैं, टंकर बैसली से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पर काम के लिए। हम लोग को काम नहीं मिल पा रहे हैं। तो काम अगर करती हैं, काम मिलता है तो कितना मजदूरी मिल पाता है? मजदूरी मिलता है कभी 300 मिलता है, कभी 350 मिलता है, लेकिन कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। वैसे बैठा बैठे हम लोग का चल रहा है सर। जिस दिन मान लीजिए मजदूरी नहीं मिलता, काम नहीं मिलता है, तो घर कैसे चलता है? ऐसे है, लौट के चल जाते हैं। तो घर में खाना कैसे होता है? कैसे होगा, कहीं कैसे की थोड़ा बहुत कीन खरीद के लाते हैं। राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर बड़ी काम करे कि महिलाएं स्वावलंबी बने। आप लोगों को गांव में वो सब सुविधाएं मिली हैं कि आप लोग गांव में ही अपना काम तलाश करें? मनरेगा, हम लोग तो मन सोचते हैं कि गांव ही में काम मिल जाए, तो हम लोग इतना दूर दौड़ के महिला क्यों आए सर? इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि गांव में ही मिल सकते तो अच्छा रहता। बिल्कुल, गांव में ही काम मिल जाता तो इतनी दूर हम नहीं आते 100 किलोमीटर चलकर। और जब ये आते हैं राजधानी रांची में काम करने के लिए अगल बगल के क्षेत्रों से, तो इनके पैसे भी खर्च होते हैं। कई पुरुष लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, आप बहुत युवा हैं, कितना पढ़े लिखे हैं? जी सर, हम इंटर पास हैं। हम यहाँ पर बेरोजगार हैं, इसलिए हम काम की तलाश में यहाँ आए हैं। और अभी काम नहीं मिला, हम घर मतलब यही अभी लौट के अभी घर जाएंगे। हम घर जाएंगे। ब्याह शादी आपकी हो गई है? कितने बाल बच्चे हैं? अभी बाल बच्चे तो नहीं है, शादी भी नहीं हुए हैं। तो घर में और कौन कौन है और उनका गुजारा कैसे चलेगा अगर आज आपको काम नहीं मिला तो? ये मम्मी पापा है, घर में किसानी है, तभी खेती बाड़ी नहीं हुआ है, इसलिए हम काम की तलाश में यहाँ काम करने चलाए हैं रांची। खेती बाड़ी भी इस बार नहीं हुआ। आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड में इस बार फसल का जो रोपनी है, धान की रोपनी, वो बहुत कम हुआ है। और बहुत कम होने की वजह यह है कि बारिश नहीं हो पाई है। और दूसरे मजदूरों से भी बात करते हैं। आप बताइए, आप इधर आइए, मेरे पास आइए, आप बताइए क्या काम करते हैं आप और क्या रोजगार की तलाश में आए हैं आप? रांची काम करने आए हैं, काम नहीं मिल रहा है। गांव में मनरेगा योजना चलती है सरकार की, क्या उसमें काम मिलता है आप लोगों को? नहीं, नहीं मिलता है। बड़ी बात है कि झारखंड में योजनाएं सरकार की बहुत सारी चलती हैं, लेकिन सरकार को भी ये समझना होगा। और चुनाव के वक्त मैंने शुरू में ही कहा कि दावे और वायदे किए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी बहुल प्रखंड के लोग राजधानी रांची में आते हैं और सरकार के पास ये गुहार लगाने की कोशिश करते हैं कि हमें रोजगार दो, तो अब चुनाव के वक्त फिर से वायदे और दावे किए जाएंगे जो बिल्कुल कोरा साबित होगा, क्योंकि झारखंड की जमीनी हकीकत ये है। एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन से आग्रह करूंगा कि इन लोगों की तस्वीर दिखाएं और इनके चेहरे के भाव को जरूर दिखाने की कोशिश करें कि आज इन्हें काम नहीं मिला है। कल भी ये आएंगे एक नई उम्मीद के साथ, कल भी आएंगे एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन कल भी इन्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर एक बड़ा सवाल है। मजदूरी पलायन झारखंड के लिए एक कोड़ की तरह साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV रांची।